हेलो एवरीवन, और क्या हाल चाल आप सभी का। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि GTA 5 में मोड्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं। कई भाइयों के कमेंट आए थे कि भैया हमें भी बताओ ये मोड्स वगैरह कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं GTA 5 में। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ वो वाली वीडियो। ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि जो सभी भाइयों को समझा सके। और तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये तीन चीज़ें चाहिए, मेन्यू, स्क्रिप्ट हुक वी, स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट। तो ये मैं बताता हूँ आपको कैसे डाउनलोड करनी है। ये यहाँ पे जाना है गूगल पे, गूगल पे जाके 5 मोड्स की वेबसाइट सर्च करनी है GTA 5 के लिए स्पेशली। तो सर्च में जाना है, तो ये तीनों आपको सर्च करना है। यहाँ से सर्च करने के बाद इस तीनों को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलते तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक डाल दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है इन तीनों को। इन तीनों को डाउनलोड करने के बाद आपको GTA 5 में जाना है। उसकी लोकेशन जहाँ भी है फाइल की आपने रखी है उसमें जाना है, इन दोनों को ऐसे करके साइड में, ताकि जो आपके लिए आसानी हो। तो आगे क्या करना है, इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। तो पहले इनको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ऐसे फोल्डर बन जाएंगे इनके। पहले ये इसमें होंगी फॉर्मेट में, फिर इसमें कर लेना है इसको। इसमें करने के बाद इनको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद सबसे पहले हम मेन्यू से स्टार्ट करते हैं। मेन्यू के फोल्डर में जाके इसको ऊपर वाले को, और ये जो बीच वाला है ASI फोल्डर, इसको कर लेना है आपने सेलेक्ट, और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है ऐसे। मैंने कर रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा। तो ओके, आपको ये ऐसे कर लेना है। इसके बाद स्क्रिप्ट हुक वी, तो अब बारी आती है स्क्रिप्ट हुक वी की। इसको ओपन करेंगे, बिन में जाना है। बिन में जाके पहला और लास्ट वाला फोल्डर को सिलेक्ट करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इसमें ऐसे। ओके, मेन डायरेक्टरी होती है GTA की उसमें। तो चलो ये बैक चलते हैं, और अब जाना है स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट में। इसको ओपन करना है, और ये जो लास्ट वाले आते हैं इसके तीनों के तीनों, इनको सिलेक्ट कर लेना है। इनको सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, सिंपल। ये आपका मेन्यू ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये स्टार्ट करके बताता हूँ कैसे चलता है, तो फिर आगे शुरू करते हैं वीडियो को। चलो भाई साहब, हम आ चुके हैं GTA में। इसको ओपन कर लिया है, तो इसको मेन्यू होता है जो हमने ऐड किया अभी अभी, जिसके व्हीकल स्पॉन होते हैं, जिससे उसको गेम में लाने के लिए हमको F8 प्रेस करना होगा। ये देखिए, अब ये मेन्यू ओपन हो चुका है। यहाँ से आप व्हीकल स्पॉन कर सकते हो कोई भी, यहाँ से कमांड दे सकते हो कौन सा व्हीकल आपको चाहिए। यहाँ पर मैं कमांड देता हूँ इसको, ये लो हमारी गाड़ी आ चुकी है। तो ऐसे करके इसको इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ पे जाना हो तो यहाँ पे सभी कार आ जाती हैं जो GTA में होती हैं। ये देखिए हमारी वरना आ चुकी है यहाँ पर। तो ऐसे करके आपने हरे गाड़ी को यहाँ पे लेके आना है, और यहाँ पे स्पॉन करा लेना है। तो अब बताते हैं आपको कि गाड़ी इसमें कैसे करते हैं मोड। तो अब बताते हैं आपको कि इसमें गाड़ी कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसमें जाना है 5 मोड्स में। यहाँ से आपको जो भी गाड़ी चाहिए उसको उठा लेना है, जो भी आपको पसंद होगी उसको उठा लेना है। जैसे हम यहाँ पे डालते हैं स्विफ्ट, स्विफ्ट डाल दी हमने, ये आ गई हमारी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इसको ऐड करते हैं आइटम, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है आपको लेटेस्ट वर्जन। यहाँ से देख के पीछे से, यहाँ से ये देखिए, ये लेटेस्ट वर्जन है इसका, इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए चलते हैं बैक, ओपन फॉर में। तो ये रही हमारी सुजुकी की फाइल, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, और एक्सट्रैक्ट टू करना है। एक्सट्रैक्ट टू करके इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐड ऑन का ऑप्शन आ रहा होगा, रिप्लेस में नहीं जाना, ऐड ऑन में जाना है। ये देखो DLC फाइल वगैरह सभी है यहाँ पे। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है, ताकि आपको पता चल जाएगा कैसे करना है ये सब। ये तो है खाली स्विफ्ट की वीडियो।
कि स्विफ्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ऐड करनी है। तो आप कोई भी गाड़ी होगी बहुत आसानी से ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा साफ साफ लिखा है कि आपने क्या क्या करना है। तो चलिए हम करते हैं। वैसे वैसे जो जो इन्होंने बताया है तो आपको भी वही वही स्टेप फॉलो करनी है। तो हम आ चुके हैं ओपन फोर में। पहले जो ओपन है हमारे पास ओपन फोर, विंडो पे क्लिक करना है। ये अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको। ये मेन है इसका, यहाँ से आप मोड्स वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हो, घर वगैरह सभी यहाँ से हो सकते हैं। तो चलिए पहला था हमारा मोड्स फोल्डर में जाना है। तो ये मोड्स फोल्डर कैसे आएगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये यहाँ पे क्लिक करना है, ध्यान से देखना, ASI मैनेजर में। तो आपके ये इंस्टॉल करने वाले पड़े होंगे दोनों, इसको इंस्टॉल कर लेना पहले, तो फिर ही आपका ये मोड वगैरह हो सकेगी। इसको करने के बाद अगर आपका ये मोड्स फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं होता तो इसकी मेन डायरेक्टरी में जाना है GTA 5 की में, वहाँ पे मोड फोल्डर को बना देना है। उसको बनाने के बाद ये अपडेट बीच कैसे आएगा वो बताता हूँ मैं। जो मेन इसका अपडेट होगा ना GTA 5 का, रुको, हाँ GTA 5 का जो ये मेन होगा इसको कॉपी कर लेना आपने। कॉपी करके अब ये आपने फोल्डर क्रिएट किया है जो, इसको ओपन करना है और इसमें पेस्ट कर देना है यहाँ से। तो ये टाइम लगेगा काफ़ी, मतलब आधा घंटा आपके PC पर है ये, कितना टाइम लगेगा। अब आपको आगे क्या करना है, मोड्स में जाना है, अपडेट X64 DLC पैक, और यहाँ पे आके एडिट मोड को ऑन कर लेना है। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, यहाँ पे आपको फोल्डर में लिखना है जो इसने बताया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखना क्या बताया है इसने। ये देखिए ये नाम है इसका, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप कॉपी पेस्ट, और लिखना हो तो लिख भी सकते हो। ये लीजिए हमारा ये फोल्डर बन चुका है यहाँ पे। तो और जो इसकी DLC RPF है उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है सिंपल। ओके ये हो गया, तो अब बहुत ही सिंपल सा काम रह गया, इसको फॉलो करना है जो इसने बताया है ना, यहाँ पे सब कुछ इसको फॉलो करके करना है। तो अगला स्टेप है हमारा यहाँ पे जाने का, DLC लिस्ट ढूंढने का। ये कहाँ से मिलेगी आपको, यहाँ पे आप अपडेट पे गए थे, और रुको रुको सॉरी, मोड्स अपडेट और अपडेट RPF, यहाँ से, यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन, फिर डाटा, फिर यहाँ पे आ जाना है आपको XML टेक्स्ट में, ये दूसरे नंबर पर पड़ी है DLC लिस्ट, इसको ऐसे करके एडिट में करना है, राइट क्लिक करके, और नीचे आ जाना है, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करना है अगर आपने कॉपी कर रखा हो तो, मैंने किया नहीं सॉरी। ये लीजिए कॉपी, और ये लीजिए पेस्ट, और इसको सेव कर देना है बस। ये सिंपल है हमारा, इसको ऑफ करके एडिट को इसको बंद कर देना है, तो फिर गेम स्टार्ट कर देनी है। तो चलिए चलते हैं गेम में और दिखाते हैं आपको स्विफ्ट, जो हमने अभी अभी मोड को इंस्टॉल किया है। तो चलिए और भाई लोग एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ये सिर्फ पायरेटेड में होते हैं मोड्स वगैरह, ऑनलाइन में करने की कोशिश मत करना, कहीं आप गेम ना क्रैश कर बैठो अपनी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर आपने बोलना है कि भाई जिसने बताया था ये करने को, तो ब्रो मैं पहले बता देता हूँ इसको ऑनलाइन में ट्राई नहीं करना। तो चलिए हम जाते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं हमारी स्विफ्ट आई या नहीं।
ये देखिए भाई साहब, स्विफ्ट का होल्ड आ चुका है। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो हमारी स्विफ्ट हमारे सामने है। ये देखिए, ये हमारी स्विफ्ट। ऐसे ही आप और भी गाड़ियों को इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी हो। अगर नहीं हो रही आपसे तो कोई भी गाड़ी तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा कि कैसे इंस्टॉल होगी वो। अगर आपकी गेम क्रैश हो रही है इसको करते हुए तो बताना मुझको, हम उसका भी सलूशन लेके आएंगे। तो पहले आप ये करके देखो और बताओ मेरे को भी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और आगे भी अपने दोस्तों को शेयर करना वीडियो, ताकि उनको भी पता चले कि मोड्स वगैरह कैसे इंस्टॉल होते हैं। तो चलो मिलते हैं हम और किसी वीडियो में। ओके, टिल देन, बाय बाय।